लोग अपने प्रोडक्ट्स लोगों को अच्छे दे सकें, वैसी हमारी सोच है। और इसको हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। एक हम बहुत बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हाउस खोलने जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें हम जो इंडिया में नहीं है वो लेके आएंगे, और जो हमारे इंडिया में सरप्लस है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो बहुत सी चीज़ें हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं जिन एक्टिविटीज़ को हम इंटरनेशनल स्केल पर लेके जाएंगे, और जिससे कि हम पंचकूला का नाम और रोशन करेंगे। अरुण जी, ये हमने अमरटेक से बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि अमरटेक शब्द अपने अपने प्रोडक्ट, अपने ग्रुप, अपने कंपनी को, अपने फैमिली को अमरटेक से नाम क्यों दिया, ये कहां से आया? अमर मेरे पिताजी का नाम है। okay. और टेक्सटाइल मैंने स्टार्ट की थी तो टेक्स लगा दिया था। okay. तो फादर के नाम पे शुरू किया, और मेरे मदर का नाम जनक है, उनके नाम पे जो कपड़ा हम डाई और प्रोसेस करते हैं। okay. वो बैग के सबसे इम्पोर्टेंट कपड़े मिल के अंदर डाइंग हाउस और प्रोसेसिंग हाउस होता है जो कपड़े को, उस प्रोसेस का नाम है जनक प्रोसेसर्स लिमिटेड, वो मेरे मदर के नाम पे है। सो मैं डेडिकेटेड, भगवान के बाद अगर मेरे पेरेंट्स ही parents. हैं जिनको मैं मानता हूँ, तो वो यूनिट मदर के नाम पे लगाया, अमरटेक्स पिताजी के नाम पे स्टार्ट करी। ये तो वही बात हो गई अरुण जी की, फैमिली के जो मेन जन आधार हैं, आपने अपनी टेक्सटाइल कंपनी में भी वही चीज अप्लाई की कि हेड ऑफ द अमरटेक्स इज अमर जी और योर फादर, एंड देन जनक जो मेन क्लोथ के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट है वो मदर को। अरुण जी, जो अमरटेक्स ग्रुप फैक्ट्री आउटलेट लेके आया भारत में, तो ये सोच आपको कहां से मिली? क्योंकि जब आपने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट की थी उस टाइम में आउटलेट का मतलब आई डोंट थिंक सो कि इंडियंस को डायरेक्ट इसके अप्रोच का पता था। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है जी। एक्चुअली इनफैक्ट क्या हुआ कि हमने जब प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया वो 1984 में किया, 1984 से लेके हम लोगों ने पूरे मशीनें बढ़ाते गए, तो हमारे पास एक टाइम पे आके 600 वीविंग मशीन्स हो गई। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई, जिस पॉलिसी के अंदर आया कि आप वीविंग मशीन सारी इम्पोर्ट कर सकते और विद वेरी नॉमिनल इम्पोर्ट ड्यूटी पे। तो जब हम इम्पोर्टेड मशीन लेके आएंगे तो उसकी कपड़े की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी और उसमें हमारी वेस्टेज भी कम हो जाएगी, तो फिर वो सारी इम्पोर्ट, तो वो एक बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। और उसमें हमने क्या किया कि उस समय एशिया डेवलप हो रहा था 91 के बाद और यूरोप कमज़ोर हो रहा था, तो पूरे यूरोप के अंदर बहुत सी वीविंग मशीन्स खाली पड़ी थी, जो किसी ने 6 महीने चलाई, किसी ने साल चलाई, किसी ने 2 साल चलाई, और वो नई मशीन अगर हम लेने जाते तो उसकी कॉस्ट आती थी 50 लाख रुपया 70 लाख रुपया, और वही थोड़ी सी चली हुई मशीन अगर हम कोई अच्छी फैक्ट्री बंद हो गई है उसको उठाते हैं तो वही मशीन हमको मिलती थी जस्ट 20% पे 20 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, 50 लाख वाली मशीन 5 लाख रुपए में। तो हमने पूरे मैंने यूरोप का राउंड लिया और अपनी पुरानी मशीनरी सारी मैंने कबाड़ के भाव बेची, और सारे यूरोप से इटली, फ्रांस, मिलान, यूके में, फिर आगे एक एक शहर के अंदर मैं बर्मिंगम में गया और हर एक सिटी के अंदर मैं गया, वहाँ जहाँ जहाँ से कोरिया सब जगह गया, और वो मैंने सारी अपनी मशीनरी उठाई, इंपोर्ट करी और अपनी यहाँ पे पंचकुला वीविंग पे हम लोग लेके आए। तो जब वो सारे मैंने पिछले 5-4 साल में, समझ लीजिए 91-92 से लेके 96-97 तक 5 साल सारे वर्ल्ड की मशीनरी इम्पोर्ट करी, तो वहां मैं देखता था कि जितना भी यूरोप में बड़े बड़े मॉल्स हैं और बड़े बड़े तरीके से चीजें, वो इंडिया में तो तब था ही नहीं। तो मैंने फिर उस समय 98 में अपना अमरटेक्स का रिटेल आउटलेट 20,000 स्क्वायर फीट का पंचकुला में पहला खोला, सच ए ह्यूज 20,000 स्क्वायर फीट एरिया। और मेरे दिमाग में उस समय एक ही चीज थी कि अगर हम प्रोडक्शन अपनी कर रहे हैं और कंज्यूमर को डायरेक्ट दे दें तो बीच में हमारा सबसे पहले सोल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर सेमी होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर ब्रोकर्स, हर स्टेज पे, तो कम से कम 8-10 आदमियों को तो हम आउट कर देंगे। बिल्कुल। तो 8-10 आदमियों के मार्जिन्स जो हैं वो कस्टमर को मिल जाएंगे, और फिर बीच में जो ठगी मारते हैं कि आज 10% 5% मार्जिन की जगह 50% मार्जिन ले लेते हैं, तो वो भी सारे बच गए। तो फिर उसका बेनिफिट ये मिला कि सही रेट पे सही प्रोडक्ट हमने 1998 में अमरटेक्स का पहला रिटेल आउटलेट स्टार्ट किया, और वो जबरदस्त उसको सक्सेस मिली, अमरटेक्स में एकदम यू टर्न आ गया। हम लोगों ने फिर उसके बाद करते करते आज हमारे 70 रिटेल आउटलेट हो गए, तो अब वो तो आगे बढ़ते ही जाएंगे कि 70 से 100 हो जाएंगे, ये तो ऑनगोइंग है। और मेरी हमेशा कोशिश ये है कि अब जैसे हम लोग कई चीजें लाए, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि अमरटेक्स फैशन स्ट्रीट लॉन्च करूं। अब वो फैशन स्ट्रीट में मेरे दिमाग में क्या कंसेप्ट लेके आ रहा हूं कि आज
आप गर्ल्स के डेनिम्स हैं, जीन्स हैं, टॉप्स हैं, कुछ लेटेस्ट वैरायटी है, स्कर्ट्स हैं, स्कर्ट राउंड्स हैं, कुछ भी, वो आपको पूरी यूरोप की स्ट्रीट लगे, पूरी लंबी अंदर, और हर एक चीज डिस्प्ले पे हो। और आज वो फैशन डिजाइनर जो आपको एक स्कर्ट दे देती है 10,000 रुपए की, आपको अमरटेक्स के आउटलेट पे वही 350 रुपए में मिल जाए। That's good. तो वहां से आपको एक ट्रेंडी गारमेंट, ट्रेंडी चीजें और बहुत सी वैरायटी, वो चीजें अब मैं लॉन्च करूंगा कि जितना यूथ है, यंगस्टर्स हैं या कोई भी है, मिडिल एज है, उन सबको ट्रेंडी गारमेंट्स, फैशन के पूरे गारमेंट्स कम से कम रेट में दें और उनको चूज करें, क्योंकि दिस कंसेप्ट भी मैंने एक बार पेरिस में देखा। पल तो पल में हमारे आज के खास मेहमान थे अरुण ग्रोवर जी, हमारे टेक्स कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अमर जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। पल तो पल में बस इतना ही, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जाने वाली हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। तभी बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।